Welcome students, welcome to my channel Streams of Dreams. आओ पढ़ें कक्षा दो हिंदी व्याकरण सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ और शब्द भी सर्वनाम का काम करते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। मयंक एक लड़का है। मयंक दूसरी कक्षा में पढ़ता है। मयंक के पिताजी लेखक हैं। मयंक की माताजी अध्यापिका हैं। मयंक साइकिल पर विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में बार बार मयंक शब्द का आना अटपटा सा लग रहा है। सोचिए इसे कैसे दूर करें। मैंने तो सोच लिया। देखिए, मयंक एक लड़का है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी लेखक हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। वह साइकिल पर विद्यालय जाता है। क्या अब ये सही लगा? सर्वनाम के शब्द देखते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई। बोलचाल में बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने की बजाय सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही वे कुछ शब्द हैं जो हम बार बार संज्ञा की शब्द की जगह प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य में सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? वाक्य में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। दो शब्द सर्वनाम के बताएं। मेरा, वह। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर उत्तर दीजिए। सर्वनाम के भेद होते हैं 4, 6, 5, 8। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का नीचे हम का दिया गया रूप बदल जाता है। किसमें? तुम्हें, तुम्हारा, हमें, हमारा। हमें, हमारा। जो का सर्वनाम में रूप परिवर्तन होता है। जिन्हें, जिनको, उसे, उसको। किसमें परिवर्तन होता है? जिन्हें, जिस, जिनको। सर्वनाम क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। वाक्यों में संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब कुछ और अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए। प्रणव, तुम यहाँ आओ। इसमें कौन सा है सर्वनाम? तुम।
पिताजी आप यहाँ बैठिए। क्या हुआ सर्वनाम? आप। मैं कक्षा में 2 में पढ़ती हूँ। क्या हुआ सर्वनाम? मैं। वह एक सुंदर लड़की है। क्या हुआ सर्वनाम? वह। खाली जगहों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द लिखिए। डैश पिताजी क्या काम करते हैं? तुम्हारे। डैश यह किताब अच्छी लगती है। मुझे यह किताब अच्छी लगती है। कल डैश यहाँ डैश मिलने आया था। कल आपसे यहाँ कोई मिलने आया था। देखो बाहर डैश है। कौन है? अब कोष्ठक में से उपयुक्त सर्वनाम छांटकर रिक्त स्थान भरिए। डैश स्कूल जाता हूँ। इधर कोष्ठक में कुछ सर्वनाम दिए गए हैं जैसे मैं, तुम, वह। तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या बना? मैं स्कूल जाता हूँ। अब डैश पढ़ो। अब पोस्टक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तुम, वे, आप। तो क्या सही है? आप। तो क्या बना? अब आप पढ़ो। डैश बाजार जाएगी। कोष्ठक में देखते हैं क्या है। हम, तुम, वह। इन तीनों में से कौन सा होगा? वह। क्या बना? वह बाजार जाएगी। डैश हमेशा देर से पहुंचता है। वह, वे, तुम। क्या है? वह। तो क्या बना? वह हमेशा देर से पहुंचता है। आप सब अच्छे से सर्वनाम को सीख गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And do comment in the comment box how do you like the video.